नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज मैं आपको सिखाऊंगी अनारकली डिज़ाइनर कुर्ती बनाना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सामने बेल बटन के ऑप्शन पे क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको डिज़ाइनर अनारकली कुर्ती बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने फैब्रिक लिया है, ये मैंने पूरी साड़ी ली है और साड़ी में से ही मैं इस तरह से कुर्ती बना करके आपको दिखाऊंगी। ये जॉर्जेट फैब्रिक है और इसके साथ ये मैंने लाइनिंग ली है। ये मेरा है जो कपड़ा है वो 2.5 मीटर है, और अगर आपका साइज़ इससे ज़्यादा है, जो कि अब मैं आपको साइज़ बताऊंगी, तो आप इसके लिए 3.5 मीटर भी कपड़ा ले सकते हो या 3 मीटर भी इसके लिए आप कपड़ा ले सकते हो। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ही कपड़ा ले, और अगर आपका साइज़ यही है जो मैं अब आपको बताऊँगी, तो आप इतना ही कपड़ा ले सकते हो। ये देखिए मैं मेज़रमेंट आपको बताऊंगी। इसकी जो लेंथ है वो इसकी लेंथ 49 है, चेस्ट 33 है, वेस्ट इसकी 29 है, और जो बाजू है, जो हमारी जो स्लीव है, उसकी लंबाई 20 है। आप अपने अकॉर्डिंग, अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ही ले, और बाजू आप लॉन्ग भी कर सकते हो और शॉर्ट भी आप कर सकते हो। तो आइए इसमें हम किस तरह से हमारी कुर्ती दिखेगी ये मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये इस तरह से कुछ बनकर के हमारी कुर्ती आएगी। ये अनारकली है, इसमें मैंने 16 कलियां डाली है, और इसका घेर आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा है, और ये बहुत ही खूबसूरत हमारी कुर्ती बनेगी अगर आप इस तरह से ही बनाओगे। ये देखिए आप, घेर इसका कितना ज़्यादा है। तो इसी तरह से आप इसमें कितनी भी कलियाँ डाल सकते हो, कम भी कर सकते हो और इसमें ज़्यादा भी रख सकते हो। तो ये देखिए, सबसे पहले हम टॉप पार्ट इसका कट करेंगे। ये मैंने इस तरह से कपड़ा रखा हुआ है, दोनों हमारी बन साइड है, और ये मैंने फोर फोल्ड करके कपड़ा रखा हुआ है। और सबसे पहले ये मैंने नीचे निशान लगा लिया है। अब हम लेंथ लेंगे इसकी, और मैंने कई बार आपको बताया कि हमें किस तरह से टॉप पार्ट कट करना है, बिल्कुल उसी तरह से आपको ये भी कट करना है। टॉप पार्ट मैं बनाऊँगी 15 इंच का, तो 15 मैं यहाँ पे 16 इंच पे निशान लगाऊंगी, क्योंकि हाफ हाफ हमारा ऊपर और नीचे सिलाई में जाएगा। तो 16 इंच पे मैंने यहाँ पे निशान लगाया और इसे मैं सीधा मिला दूंगी। टॉप पार्ट की कटिंग मैंने अपनी हर वीडियो में, हर जितनी भी मैंने कुर्तियाँ बनाना आपको सिखाया है, उसमें इसी तरह से बताई है, सेम है कटिंग उसमें। अब ये हमने लेंथ का निशान इसमें लगा दिया है। अब ये हमारी जो बंद साइड है, यहाँ से हमें निशान लगाने होते हैं हमेशा, खुली साइड में हम निशान नहीं लगाते हैं। अब यहाँ से मैं इसमें शोल्डर का निशान लगाऊंगी, ये मैं 6.5 पे लगाया है, 6.5 इंच। इसके बाद यहाँ पर आर्म होल का मैं निशान लगाऊंगी, ये आर्म होल का मैंने, ये भी 6.5 पर मैंने यहाँ पे निशान लगाया है, और यहाँ तक हम लगा देंगे। अब इसके बाद इसे हम नीचे तक मिला देंगे। और अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। अगर आपको पीछे का जो हमारा नेक है उसकी लेंथ आपको ज़्यादा रखनी है, तो आप शोल्डर कम ले, और यहाँ पर हम हमारी जितनी भी चेस्ट है उसका हमें फोर्थ भाग लेना है और वो यहाँ पर लगा देना है। आगे हम 1.5 इंच या 2 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं सिलाई के लिए। ये जितना भी कपड़ा है मैंने इसमें ले लिया है। अब यहाँ से 7 इंच पर हम निशान लगाएंगे, 7 इंच पर ये निशान है हमारा, और इसे हम सीधा मिला देंगे नीचे तक, क्योंकि हम इसमें प्लेट्स डालेंगे, इसलिए हम केवल अभी से सीधा ही मिला देंगे। अगर आप प्लेट्स डालना नहीं चाहते हो तो बिल्कुल सिंपल आप इसमें, जैसे हम सूट में निशान लगाते हैं, ऐसे ही आप इसमें निशान लगा सकते हो। यहाँ पर हम 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे, ये हमारा, यहाँ पर हम आर्म होल का निशान लगाएंगे 1/2 इंच पर, यहाँ पर निशान लगाया, और इसमें हम गोलाई दे देंगे। अगर आप मेरी वीडियोस पहले देख चुके हो तो आपको पता होगा ये किस तरह से निशान लगाए जाते हैं। मैं अपनी हर वीडियोस में इसी तरह से निशान लगाती हूँ। यहाँ पर भी हम इसी तरह से 1 इंच पर निशान लगाएंगे और इसी तरह से गोलाई में शेप दे देंगे। ये हमारा बाहर का आर्म होल है जो पीछे की साइड का है। हमारा जो फ्रंट आर्म होल होता है वो छोटा होता है और पीछे की साइड वाला बड़ा निशान होता है। तो ये हमने इस तरह से निशान लगा लिए हैं। अब इसके बाद ऊपर से हम 10.5 पर यहाँ निशान लगाएंगे। हमारी चेस्ट 32 तक है, 32-33 के आसपास है, तो इसलिए हम यहाँ पे 10.5 पर लगाएंगे।
ये मैंने आपको बताया हुआ है हमें किस तरह से निशान लगाना होता है, और ये जो निशान है ये हमारी चेस्ट का हमें 10वां भाग लेना है और तब ये निशान यहाँ पे लगाना है। आपकी जितनी भी चेस्ट है आपको इसी तरह से निशान लगाना है और इसे हम नीचे तक मिला देंगे और ये हमारी डाट का निशान हो जाएगा। यहाँ से हाफ हाफ इंच पर हम निशान लगा देंगे और इसे ऊपर तक सीधा मिला देंगे तो ये 1 इंच की हमारी डाट हो जाएगी। ये इस तरह से जैसे हम ब्लाउज़ में लगाते हैं बिल्कुल इसी तरह से। और अब यहाँ से हम हाफ इंच पर ये डाउन कर देंगे, ये सीधा हम इसमें निशान लगाएंगे। ये देखिए ये हमारे निशान बिल्कुल लग गए हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से। इसी तरह से मैं हर बार आपको बताती हूँ कि आपको कैसे निशान लगाने होते हैं। और ये जो ऊपर से हमने निशान लगाया 10.5 पे लगाया है, अगर आपकी चेस्ट 32 से कम है तो ये निशान आपको लगाना है 9.5 पर। अगर 32 से 40 तक की है तो 10.5 पर निशान लगेगा और 40 से ऊपर है तो 11.5 पर आपको ये ऊपर से यहाँ से निशान लगाना है। इस तरह से आपको सारे निशान लगाने होते हैं। और ये जो चौड़ाई का अब निशान है ये वाला, ये हमें लगाना है जितनी भी आपकी चेस्ट है उसे आपको 10 से डिवाइड करना है और तब ये निशान आपको यहाँ पे लगाना है। बिल्कुल सिंपल तरीके से इसी तरह से हम हर बार निशान लगाते हैं। और अगर आप चाहते हो आपको डाट नहीं डालना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल सिंपल तरीके से इसमें निशान लगाएं, तब आपको यहाँ पे कमर का निशान भी लगाना होगा। और जैसे हम अपनी कुर्ती में या सूट में, सिंपल सूट में जैसे निशान लगाते हैं उसी तरह से आपको यहाँ पे निशान लगाने हैं। तो इसके बाद हम इस तरह से कटिंग कर देंगे इसकी और ये हमारे 2 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। ये हमारी कटिंग हो गई है हमारे टॉप पार्ट की और इस तरह से हम पीछे की साइड भी इसे निशान कर देंगे। इसे पीछे की साइड निशान आ जाते हैं और इस तरह से हम कट लगा देंगे ताकि हमारे निशान बिल्कुल सही हो। और ऐसे ही आपको दोनों साइड, हमें दोनों पल्लों पे अपने इसी तरह से निशान लगा देने हैं क्योंकि हमें दोनों साइड ही डाट डालनी है। पीछे की साइड भी इसी तरह से हमें करना है, यहाँ पे भी हम इसी तरह से कर देंगे। जैसे हम ब्लाउज़ में करते हैं बिल्कुल सिंपल उसी तरीके से हमें इसमें निशान लगाने होते हैं। ये देखिए ये हो गया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो हमारा आर्म होल का निशान था इसमें हम कट कर देंगे क्योंकि दोनों पार्ट हमने कट कर लिए। अब हम अंदर के साइड में भी कटिंग कर देंगे। अब इसके बाद हम जो बाकी का हमारा कपड़ा बचा हुआ है अब इसे हम लाइनिंग को नीचे की साइड जो हम कपड़ा लगाएंगे अपनी कुर्ती में उसकी कटिंग हम करेंगे। ये देखिए मैंने इस तरह से इसे पहले ये किनारी से किनारी मिली हुई है मैंने एक फ़ोल्ड किया, फिर कपड़े को मैंने इस तरह से उसके ऊपर डबल फोल्ड कर दिया तो ये हमारे 4 तय हो गई है, 4 फोल्ड ये हमारे हो गए हैं। अब ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है मैंने ये इस तरह की कटिंग करना, इसमें दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ। ये जो कपड़ा है इस तरह से हम कटिंग करते तो घेर इसमें अच्छा आता है, कपड़ा हमारा कम लगता है इसमें। ये 2.5 मीटर मैंने इसमें लिया है, अगर आपका साइज़ थोड़ा ज़्यादा है तो आप 3 मीटर ले उसमें भी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम 15 इंच छोड़ करके निशान लगाएंगे अपनी लेंथ का, और क्योंकि ये अंदर की साइड हमारा नीचे की साइड कपड़ा आएगा तो मैं इसकी लेंथ थोड़ी सी कम लूँगी। आप 2 इंच कम ले सकते हो जितनी भी आपकी कुर्ती है टोटल लेंथ है, क्योंकि हमारी जो अंदर का कपड़ा होता है वो शॉर्ट होता है थोड़ा सा, बिल्कुल हमारे बाहर वाली जो कपड़ा है उसके बराबर नहीं होता है। तो अगर इसमें साइज़ लंबाई आप कम लो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब लेंथ आप यहाँ से भी नाप करके दूसरी साइड भी इसी तरह से निशान लगा दें। इसमें हमें 15 इंच छोड़ना है क्योंकि हमें केवल नीचे का पार्ट कट करना है, टॉप पार्ट हमने 15 इंच का कट कर लिया है तो टोटल लंबाई हमारी 49 थी, उसमें से हमें 15 इंच कम करके तब ये लेंथ लेनी है। तो इस तरह से हमें इसमें निशान लगाने हैं। अब हम किस तरह से लेंगे, जितना भी हमारी कमर है 29 थी हमारी कमर, उसे हमें 8 से डिवाइड करना है। 8 से डिवाइड करेंगे 3.6 आएगा तो उसमें हम 1 प्लस कर देंगे और 4.6 पर हम यहाँ पे निशान लगाएंगे तो 4 कलियाँ हमारी इसमें निकल जाएगी। जैसे हम सिंपल निशान लगाते हैं बिल्कुल इसी तरह से हम इसमें निशान लगाएंगे। मैंने इस तरह से आपको कलियाँ निकालना बताया हुआ है। इसमें फ़ायदा ये होता है, ये देखिए 3.6
सिक्स आएगा अगर आप अपनी हम आठ कलियाँ निकालेंगे तो हम डिवाइड करेंगे 29 से 3.6 आया, प्लस इसमें हम वन करेंगे क्योंकि हाफ हाफ इंच हमारा कलियों में दोनों साइड जाता है सिलाई में, तो इसलिए हम इसमें वन प्लस कर देंगे। तो इसके बाद आएगा हमारा 4.6। तो 4.6 में हम यहाँ पे निशान लगाएंगे चौड़ाई का और उस हिसाब से हम इसमें से कलियाँ निकाल देंगे। चार हमारी ऊपर से निकल जाएंगी और चार हमारी दूसरी साइड से निकल जाएंगी, तो आठ कलियाँ हमारी टोटल हो जाएगी। तो ये देखिए इतना हमारा इधर से सिलाई में चला जाएगा, आधा आधा इंच हमारा सिलाई में जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पे एक इंच एक्स्ट्रा लेते हैं ताकि हमें सिलाई करने में दिक्कत ना हो, हमारा कपड़ा कम ना रहे। मान लो आपको कभी लूज़ भी करना पड़े तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरह से हमने ये निशान यहाँ पे लगाने हैं, यहाँ पर हम इस तरह से निशान लगा देंगे 4.6 पर। और अब दूसरे कोने में हम यहाँ पे निशान लगा देंगे, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है हम किस तरह से कट करते हैं। और अब इन्हें हम आपस में मिला देंगे, ये बहुत अच्छा तरीका है कम कपड़े में ज़्यादा घेर निकालने का। और अगर आप चाहते हो बिल्कुल उतना ही आपको ज़्यादा कपड़ा लेकर के करना है तो आप इसमें ज़्यादा कपड़ा लेकर के भी कट कर सकते हो, जैसे हम बाहर का कपड़ा कट करेंगे सेम ऐसे ही, पर उसमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है, आपका बहुत ज़्यादा कपड़ा वेस्ट होगा, तो ये ज़्यादा अच्छा तरीका है। अब बीच में से हम इसे कट कर देंगे, तो ये अब इस तरह से हम इसे कट कर देंगे। यहाँ से भी हम इसे कट कर देंगे। अब चाहे तो आप पीछे की साइड से ये जो यहाँ से बंद है ये देखिए, मैं आपको इसे खोल के दिखाती हूँ। अभी सबसे पहले हम बाहर से कट कर देंगे, कटिंग कर देंगे इसकी ताकि ये हमारा बराबर हो जाए इस साइड से भी और दूसरी साइड से भी, इसे बिल्कुल बराबर कर देंगे। यहाँ से हम इसे कट कर देंगे जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है, और फिर हम अपनी लेंथ देखेंगे क्योंकि एक साइड से हमने टेढ़ा ये काटा है तो एक साइड से हमारी लेंथ बढ़ जाती है। अब हमें दोनों बराबर करनी है तो हमें एक्स्ट्रा कपड़ा इसमें से कट करना होगा, ये इस तरह से। और ये देखिए ये इस तरह से खुल जाएगा तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, और चाहे तो आप इसमें बीच में से कट कर सकते हो, पर इसमें मैं नहीं करूँगी क्योंकि हम अंदर की साइड ये कपड़ा लगाएंगे तो फिर हमें इसमें कट करके दोबारा से इसमें जोड़ लगाना पड़ेगा, तो उससे कोई फ़ायदा है नहीं, इसलिए मैं इसमें से कट बीच में से नहीं करूँगी, इसे मैं ऐसे ही जुड़े रहने दूँगी। इसी तरह से हम बाकी कपड़े में भी ऐसे ही कट कर लेंगे और ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। आपको इस तरह से रखना है और ऐसे सिलाई करनी है। दूसरा पार्ट हम इसके साइड में रखेंगे और ये बड़ा वाला पार्ट बीच में आ जाएगा, और आपको इस तरह से एक सिलाई करके तैयार कर लेना है। दूसरा भी आपको पार्ट ऐसे ही कर लेना है। और अब ये हमारा साड़ी का कपड़ा है जो हमने लिया था, अब ये मैंने फोर फोल्ड इस तरह से करके रखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। अब इसके ऊपर हमें अपने अस्तर का कपड़ा रखना है और सीधा सिंपल तरीके से हमें इसमें कटिंग कर देनी है। थोड़ा थोड़ा हम हाफ हाफ मार्जिन देकर ही थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ कर के हम इसमें कटिंग करेंगे, क्योंकि कपड़ा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, खिंच जाता है। हमेशा बाहर का कपड़ा जब आप कट करते हो तो आप ज़्यादा ही काटें, अगर एक्स्ट्रा हैं तो वो हम बाद में इसे कट करके अलग कर देंगे, पर हमारा कपड़ा कम नहीं रहना चाहिए। तो ये इस तरह से हमारे ये दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है, ये आप देख सकते हो। अब इसके ऊपर हम इस तरह से रखेंगे और चारों तरफ सिलाई करके इसे जोड़ लेंगे। दोनों पार्ट में हमें ऐसे ही करना है। अब ये बाकी का कपड़ा जो हमारे पास है, अब मैं आपको इसमें सिखाऊंगी कि हम किस तरह से इसमें बाजू कटिंग करेंगे। ये मैंने इस तरह से टू फोल्ड किया हुआ है और नीचे भी हमारा टू फोल्ड है, और इस साइड से हमारा ये बंद साइड है। ये देखिए आप इस तरह से हमारा कपड़ा हमने फोर फोल्ड करके रखा हुआ है, और ये ऐसे ही आपको रखना है। ये हमारी किनारे वाली साइड है, यहाँ से फोल्ड करने में इजी रहता है, इसलिए मैं इसी साइड से लंबाई अपनी लूँगी।
और लंबाई हमें किस तरह से लेनी है। 20 इंच की हमें लेंथ लेनी है अपनी स्लीव की, 20, और इसमें से हम 1.5 प्लस कर देंगे क्योंकि 1 इंच हमें फोल्ड करने के लिए चाहिए और 1/2 इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो आपको इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है लंबाई के साथ। तो ये ऐसे हम लेंथ का इसमें निशान लगा देंगे नाप करके। आप इसमें कितनी भी लॉन्ग स्लीव रख सकते हो या शॉर्ट अगर आप चाहो तो कितनी भी आप इसकी लेंथ ले सकते हो। तो ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया है, 1 इंच हमारा वहाँ पे रह जाएगा जो हमारा फोल्डिंग में आ जाएगा। ये इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे तो ये हमारा फोल्डिंग में चला जाएगा। अब ये जो यहाँ से 3 इंच पर हम निशान लगाते हैं, मैंने आपको बाजू की कटिंग पहले भी सिखाया हुआ है कैसे हम करते हैं। ये जो टोटल लेंथ है ये हमें लेनी है 8 इंच, 8 पर हम निशान लगाएंगे। अब दोबारा इसी तरह से नाप करके हम सीधा इसमें निशान लगा देंगे, इसे हम सीधा सामने तक मिला देंगे ऐसे। और इसके बाद यहाँ पर ये हमने जो निशान लगाया है ये शायद इसमें ठीक से दिख नहीं रहा है, पर क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है किस तरह से करना है। यहाँ पे 2 इंच पे मैंने निशान लगाया, ऊपर 3 इंच पे और यहाँ पे 2 इंच पे। अब इन्हें हम आपस में मिला देंगे और शेप इसे इस तरह से दे देंगे। अब यहाँ से हम निशान लगाएंगे अपनी जितनी भी आपकी फिटिंग है उतना। तो फिटिंग का निशान लगाने के बाद हम इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, 1.5 इंच हम यहाँ पे एक्स्ट्रा लेंगे और फिर इन निशान को आपस में मिला देंगे इस तरह से। जो हमने एक्स्ट्रा लिया है सिलाई के लिए वहाँ तक हमें इसे मिला देना है इस तरह से। ये हमने मिला दिया है यहाँ तक। अब इसके बाद इसे हम कट कर देंगे। ये हमारे बाजू की कटिंग हो गई है, इसमें हमारी दोनों बाजू की कटिंग हो गई है। ये देखिए अब हम इसमें अच्छे से इसे कट कर लेंगे। ये हमारा कपड़ा थोड़ा हिलता रहता है तो आपको इसमें थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप इस तरह का कपड़ा यूज़ करते हो तो। अब यहाँ पे हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे और इसमें शेप दे देंगे और अब इसे कट कर देंगे। तो हम फ्रंट साइड में जो शेप देते हैं वो वाली शेप है ये, और ये हमारे बाजू की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हम कलियों की कटिंग करेंगे। मैं आपको सिखाती हूँ कपड़ा हमें किस तरह से रखना है। अब ये बाकी का बचा हुआ कपड़ा है ये मैंने 2 फोल्ड किया हुआ है। अब यहाँ पे हम 15 इंच छोड़ करके तब यहाँ पे लेंथ का निशान लेंगे क्योंकि 15 इंच का हमारा टॉप पार्ट है। अब लेंथ हम यहाँ पे नाप लेंगे हमारी कितनी है, 49 लेंथ है। तो 49 पे हम यहाँ पे निशान लगाएंगे और इसमें हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। 1/2 इंच हमारा ऊपर सिलाई में जाएगा और 1 इंच हमारा नीचे फोल्ड करने में चला जाएगा। तो इसमें हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे सिलाई के लिए। अब दूसरी साइड से भी हमें इसी तरह से निशान लगा लेना है। ये आप एक बार दोबारा चेक कर ले अपनी लेंथ का निशान। और अगर आप ज़्यादा नीचे से फोल्ड करना चाहते हो तो आप इसके लिए ज़्यादा भी ले सकते हो। जितना भी आप इसे जितना चौड़ा फोल्ड करोगे उतना ही आप इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा लें। तो यहाँ पे भी हम इसी तरह से लेंथ का निशान लगा लेंगे दूसरी साइड भी। ये दूसरी साइड भी हमें इसलिए लगाना होता है ताकि हमारा कपड़ा फोल्ड होने बिल्कुल बराबर हो, कहीं से टेढ़ा मेढ़ा ना हो। अब इस कपड़े को हम फोल्ड कर देंगे। ये देखिए हमारी इधर से बंद साइड है, ये हमने फोल्ड किया हुआ है एक बार। अब इसे हम इस तरह से डबल फोल्ड कर देंगे जैसे हम कलियाँ निकालते हैं, मैंने आपको अपनी और कुर्ती में भी बताया हुआ है। बिल्कुल उसी तरह से हमने इसमें भी ऐसे ही कटिंग करनी है और इसी तरह से निशान लगाने हैं। ये मैं आपको सिखाती हूँ किस तरह से हमें अपनी कलियों के निशान लगाने हैं। 29 इसमें हमारी कमर है तो इसे हमें डिवाइड करना है 16 से, क्योंकि हम इसमें 16
कलियां निकालेंगे, 16 हम इसमें कलियां निकालनी हैं, 8 हम आगे की साइड रखेंगे कलियां और 8 हम पीछे की साइड रखेंगे। तो 16 से हम इसे डिवाइड करेंगे अपनी कमर को, आपकी जितनी भी कमर है और आपको जितनी भी कलियां निकालनी है उसे आपको डिवाइड करना है। तो उसके बाद आएगा 1.8, जिसमें हमें 1 प्लस करना है, जो सिलाई में हमारा चला जाएगा हाफ हाफ इंच दोनों साइड, तो इसलिए हम इसमें लेंगे 2.8 इंच। तो 2.8 आएगा 1 प्लस करके, तो हमें जो चौड़ाई लेनी है वो लेनी है 2.8 पर, हमें इसमें निशान लगाना है। ये देखिए मैंने आपको कपड़ा रखना बता दिया है, मैंने इस तरह से इसे फोल्ड किया है। अब यहाँ पर हम इसमें अपनी कलियों के निशान लगाएंगे, यहाँ पर 2.8, और अगर आप चाहो कि ज़्यादा कपड़ा रखे साइड में तो आप इसमें 1 पॉइंट बढ़ा सकते हो। 2.8 आया है हमारा, तो 2.9 पर आप इसमें निशान लगा सकते हो, ताकि कपड़ा हमारा, क्योंकि 1 पॉइंट हमारा सब में बढ़ जाएगा तो हमारा काफ़ी ज़्यादा कपड़ा एक्स्ट्रा रह जाएगा दोनों साइड। अगर मान लो आपको कभी लूज़ करना पड़े तो बहुत ही आसानी से आप इसे लूज़ कर सकते हो। इसी तरह से दूसरी साइड भी हमें ऐसे ही निशान लगाना है हमारी कली का, और अब इन दोनों को हम आपस में मिला देंगे। ये हमारी 8 कलियां इस तरह से निकल जाएंगी यहाँ पर, और इसी तरह से हमें आगे का कपड़ा, क्योंकि अब ये हमारी साड़ी है तो इसमें बहुत लंबा हमारे पास कपड़ा है, तो हम दोबारा से 8 कलियां और निकाल लेंगे इसी तरह से, बिल्कुल सेम ऐसे ही रख करके। तो हमारी ये 16 कलियां हो जाएंगी, 8 हमारी आगे की साइड आ जाएंगी और 8 हमारी पीछे की साइड आ जाएंगी, तो इसमें हमारा बहुत ज़्यादा घेर आ जाएगा। अब इसी तरह से हम इसे कट कर लेंगे, निशान हमने इसमें लगा दिए हैं, और इस तरह से जो मैंने और कुर्तियाँ आपको बनाना सिखाया उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से इसे चेक कर सकते हो। और इसके साथ ही आप मुझे फेसबुक पर, मेरा पेज है उसे आप लाइक कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हो, जिसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो इसे हम सीधा सीधा इसी तरह से कट कर देंगे। कलियाँ काटने के और बहुत सारे तरीके हैं जो मैं आपको और अपनी आगे वीडियोस में बताऊंगी। इस तरह से जो मैंने पहले कुर्तियाँ बनाई हुई हैं उसमें मेरे पास काफ़ी क्वेश्चंस इस तरह से आए थे कि अगर हमें ज़्यादा कलियाँ निकालनी हैं, क्योंकि मैंने केवल 8 कलियाँ निकालना ही इसमें बताया है, तो मेरे पास काफ़ी क्वेश्चन ऐसे आए थे जिन्होंने मुझसे पूछा था अगर हम और ज़्यादा कलियाँ इसमें निकालना चाहते हैं तो किस तरह से निकालें, हमें किस तरह से कपड़ा रखना है। तो अगर आप ज़्यादा निकालना चाहते हो तो बिल्कुल इसी तरह से इसके ऊपर कपड़ा रख करके कटिंग कर दें। तो ये देखिए मैंने बीच में से इसे कट कर दिया है, इसमें कटिंग हो गई है। अब इसी तरह से हमें कपड़ा ये फोल्ड करके रखना है और जो नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर देना है। चाहे तो आप इसमें पहले निशान लगा करके देख सकते हो, इंची टेप से आप अपनी लेंथ का निशान लगाएं और फिर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे आप इसे कट कर दें। आप ऐसे भी कर सकते हो, ऊपर से भी हम इसमें कट कर देंगे, और इसी तरह से हम दूसरी साइड भी कर लेंगे और सारी कलियां हम ऐसे ही तैयार करके रख लेंगे। और बाकी कपड़ा जो हमारा बचा है इसे भी हमें बिल्कुल ऐसे ही फोल्ड करना है जैसे मैंने अभी आपको दिखाया है, और 8 कलियां इसमें से निकाल लेंगे हम। तो ये देखिए मैंने 16 कलियां सारी निकाल ली है, ये इसी तरह से, ये आप देख सकते हो। तो ये देखिए ये इस तरह से आपको सारी कलियाँ निकाल लेनी है, कट कर लेनी है, और नीचे से भी इसी तरह से शेप दे देनी है जैसे मैंने आपको पहले सिखाया हुआ है। तो आप इसी तरह से जितनी चाहे कलियाँ निकाल सकते हो, और जितनी चाहे, अगर कम चाहे तो कम कर सकते हो, और ज़्यादा कलियाँ लगाना चाहे तो आप ज़्यादा भी इसमें कलियाँ रख सकते हो। तो ये हमारी कलियाँ सारी कट गई है, और आपको किस तरह से जोड़नी है, आप किसी भी साइड को किसी से भी जोड़ दें, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है, कोई नहीं होगी। अब ये हमारा पार्ट है, जो हमारा टॉप पार्ट है, ये मैंने सिलाई करके दोनों कपड़ों को जोड़ लिया था, लाइनिंग को हमने अपने कपड़े के साथ स्टिच कर दिया है। अब इसके बाद इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें इसमें नेक कटिंग करनी है। अगर आप इसमें लॉन्ग रखना चाहते हो तो आप अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग रखें, जितना भी आप इसमें लेंथ लेना चाहते हो। तो यहाँ पर हम इसमें कट करेंगे, 2.5 पर मैं ये निशान लगाऊंगी, और लेंथ मैं इसमें लूँगी 6.5 इंच, और ये हमारा टोटल जब बन जाएगा तो 6
के सिक्स के आसपास हमारी ये लेंथ हो जाएगी। 6 इंच बहुत ठीक होता है, लंबा नहीं होता है ज़्यादा और ना ही ज़्यादा छोटा रहता है, ये बिल्कुल ठीक रहता है नेक। और फ्रंट का नेक हमें थोड़ा कम ही बनाना चाहिए, आप बैक का जो नेक है उसकी लेंथ आप चाहे जितनी बढ़ा सकते हो वो ठीक लगता है। तो आप इस तरह से इसमें शेप दे दें और आप जितना भी लेंथ पहनना पसंद करते हो आप उतनी लेंथ इसमें रख सकते हो। अब इसे हम कट कर देंगे और बैक साइड में भी हम इसी तरह से निशान लगा देंगे, पर बैक साइड में आप इसकी लेंथ थोड़ी बढ़ा दें। ये देखिए इस तरह से हम शेप देके इसे कट कर लेंगे और ये ओरेप पट्टी से मैं इसका नेक बना करके तैयार कर लूँगी ऐसे। और ओरेप पट्टी से गला कैसे बनता है मैंने आपको पहले सिखाया हुआ है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये देखिए मैंने बना करके इस तरह से तैयार कर लिया है, दोनों नेक मैंने बना लिए हैं। अब इसे हमें ऊपर से जोड़ लेना है, यहाँ पर हम सिलाई लगा करके, ये देखिए आपको सिलाई के ऊपर आपको ध्यान रखना है और बिल्कुल बराबर होने चाहिए हमारे दोनों पार्ट। और फिर हम इसे सिलाई लगा करके दोनों पार्ट को जोड़ लेंगे, दोनों साइड हमें इसी तरह से सिलाई लगा करके जोड़ लेना है। ये दोनों साइड हमारी सिलाई हो गई है और इसके बाद हमें ये अंदर फोल्ड करना है और ये फाइनल सिलाई हम इसके ऊपर लगा लेंगे। फाइनल सिलाई मैंने नहीं लगाई है और ये अंदर फिनिशिंग के साथ हमारा ये गला तैयार हो जाएगा बन करके। और बाद में हम ये जो सिलाई है उसे निकाल देंगे तुरपन करने के बाद। ये इस तरह से हमें फोल्ड करके इसमें चारों तरफ सिलाई लगा देनी है। ऐसे हमें चारों तरफ इसमें हम सिलाई लगा देंगे और बाद में हम इसमें तुरपाई कर देंगे। और फिर ये सिलाई हमारी कच्ची सिलाई है, आप बड़ी चाल करके सिलाई लगाएं और बाद में हम ये सिलाई निकाल देंगे। इसके चारों तरफ हम ये इसी तरह से सिलाई करके अपना नेक तैयार कर लेंगे। तो देखिए मैंने सिलाई करके नेक हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसमें डार्ट के जो निशान हमने लगाए थे इसमें हमें सिलाई लगानी है। ये जैसे हम ब्लाउज़ में लगाते हैं बिल्कुल उसी तरह से आपको ये निशान भी इसमें लगाने होते हैं और ये सिलाई भी आपको बिल्कुल उसी तरह से करनी होती है। इस कुर्ती में मैंने आपको कलियों वाली कुर्ती बनाना सिखाया है, जिसे हम अनारकली कुर्ती भी कहते हैं, अनारकली ड्रेस जिसे आप बोल सकते हो। और इसके बाद मैं एक नई दूसरी वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको अम्ब्रेला कट में कुर्ती बनाना सिखाऊंगी। मेरे पास काफ़ी क्वेश्चंस आए थे, वो चाहते हैं कि मैं अम्ब्रेला कट में भी कुर्ती बनाना आपको सिखाऊं, जो बिना कलियों का होगा उसमें आप कलियाँ नहीं डालोगे, वो अम्ब्रेला डिज़ाइन में होगा। तो ये देखिए मैंने इस तरह से सिलाई कर दी, बाकी पार्ट में भी आपको इसी तरह से सिलाई करके तैयार कर लेना है। अब ये हमारा अस्तर का कपड़ा है जो हमने सिलाई कर ली है और ये तैयार कर लिया। मैंने आपको बताया था आपको इसमें सिलाई किस तरह से करनी है। ये हमारा पार्ट हो गया और दूसरा पार्ट भी हमें इसी तरह से तैयार कर लेना है। और ये कलियाँ मैंने सारी जोड़ ली है, ये देखिए आप सारी कलियाँ मैंने आपस में जोड़ ली है। ये 8 कलियाँ हैं हमारी और 8 कलियाँ हमारे दूसरे वाले पार्ट में हैं। ये एक पार्ट हमारा आगे लगेगा और एक पार्ट हमारा बैक साइड में लगेगा। और ये देखिए अब ये जो हमारा अस्तर का कपड़ा था इन दोनों को मैंने आपस में सिलाई करके इस तरह से सिलाई करके हम इन्हें जोड़ लेंगे और नीचे तक हम इसमें सिलाई करके जोड़ देंगे। नीचे से मैं इसमें शुरुआत करूँगी, दोनों पार्ट को हमें इसमें जोड़ लेना है। ये जो लाइनिंग है मैंने इसमें कम कपड़ा लिया है ताकि हमारा कपड़ा कम इसमें खर्च हो। और ये मैं एक साथ नहीं जोड़ूंगी क्योंकि इसकी जो चौड़ाई है वो कम है हमारे अस्तर की, और जो हमारा बाहर की जो कुर्ती का कपड़ा है उसकी चौड़ाई हमारी बहुत ज़्यादा है। तो इसमें मैं क्या करूँगी, इन दोनों की जो घेर है वो अलग अलग सिलूँगी, एक साथ मैं इसमें अटैच नहीं करूँगी, मैं इसमें अलग अलग सिलूँगी। तो मैंने यहाँ तक सिलाई लगाई है, ये देखिए मैंने पूरी ऊपर तक सिलाई नहीं लगाई है, ऊपर हम छोड़ देंगे। ये जो हमारी कमर की साइज़ जहाँ से है ये लगभग है 6 इंच के आसपास, छोड़ करके मैं दोनों साइड निशान मैंने सिलाई लगा ली है। अब ये हमारा दूसरा पार्ट है, हमारी ये कुर्ती का पार्ट है जो हमने सारी कलियाँ आपस में जोड़ी हुई हैं।
ये देखिए, ये हमें अब क्या करना है, अब अपने ये जो हमने अस्तर सिला हुआ था इसके साथ हमें अपनी कुर्ती का जो बाहर का कपड़ा है हमारा ये सिल देंगे। ये आप देखिए किस तरह सिलना है, एक मैंने पार्ट सिल दिया है, अब दूसरा मैं आपको बताती हूँ कैसे सिलना है। ये हमें अपना कपड़ा लेना है और हमें सीधी साइड, ये देखिए ये हमारी सीधी साइड है, अब इसके अंदर हम इसे डाल देंगे ऐसे, और अंदर की साइड जो हमारी सीधी साइड है वहाँ से हमें इस तरह से सिलाई करनी है। ये देखिए ये हमारी सीधी साइड है और जो फोल्ड इसकी जो रॉन्ग साइड है वो हमने अंदर रखी है। अब इन दोनों को हम सिलाई करके आपस में जोड़ लेंगे। सिलाई हम अपनी कमर की साइड लगाएंगे और इस तरह से सिलाई करके हम जोड़ लेंगे। पहला पार्ट मैंने पहले से जोड़ा हुआ था, ये दूसरे पार्ट में मैंने आपको बताया कि हमें किस तरह से जोड़ना है, और ये जोड़ने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। ये देखिए ये इतना हिस्सा मैंने छोड़ दिया था, सिलाई मैंने नहीं की थी इसमें, ये मैं अब आपको बताऊंगी हमने सिलाई क्यों नहीं की थी इसमें, क्योंकि जो हमारा ये अस्तर का कपड़ा है ये ज़्यादा, ये हमारा चौड़ाई कम है और जो बाहर का कपड़ा है उसकी चौड़ाई हमारी ज़्यादा है, तो ये हम अलग अलग जोड़ेंगे, तो इसलिए मैंने इसमें ये लगभग हमारा 6 इंच के आसपास है तो 6 इंच मैंने इसमें छोड़ दिया है ऊपर की साइड, और इसे हम अलग अलग से सिलाई करेंगे। अब यहाँ पर हम अपने फिटिंग के निशान इसमें लगा लेंगे, इस तरह से हमें अपने फिटिंग के निशान लगा देने हैं। नीचे तक हम इसमें इसी तरह से दोनों साइड निशान लगा लेंगे, अपनी चेस्ट का, कमर का और नीचे तक। यहाँ से हम सेंटर से नापते हैं और तब हम अपने निशान लगाते हैं। अब ये हमारे निशान इसमें हो गए हैं, अब हम नीचे वाले पार्ट को अपने टॉप पार्ट में जोड़ लेंगे। अब ये देखिए ये हमारी इस तरह से, हम यहाँ से इन दोनों को आपस में हम जोड़ लेंगे और इसमें सिलाई करके इसे तैयार कर लेंगे। दोनों पार्ट को हमें इसी तरह से आपस में जोड़ लेना है, हम अपने टॉप पार्ट को अपने बॉटम पार्ट से इस तरह से सिलाई करके जोड़ लेंगे। ये कुर्ती बनानी बहुत ही आसान है, बस इसमें आपको सिलाई थोड़ी ज़्यादा करनी होती है, बाकी ये बहुत ही सिंपल है। तो ये देखिए सिलाई करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ये आप देखिए ऐसे, यहाँ से हमने ये छोड़ा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये बाहर की साइड से क्योंकि हमने इतना छोड़ा था और नीचे हमने सिलाई कर दी थी तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ये आप देख सकते हैं कुछ ऐसे हमारा कपड़ा दिखाई देगा। अब इसके बाद हम, मैं आपको इसे सीधा करके दिखाती हूँ क्योंकि हमने केवल नीचे का कपड़ा जोड़ा है, अभी ऊपर का कपड़े में हमने सिलाई नहीं की है, ऊपर के जो दोनों पार्ट हैं वो हमने अभी स्टिच नहीं किए हैं आपस में, केवल जो हमारे लाइनिंग का कपड़ा था वही हमने स्टिच किया है। अब ये देखिए सीधा करके मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमारे दोनों पार्ट अभी अलग हैं, हमने केवल ऊपर से जोड़े हैं, ये साइड की सिलाई अभी हमने इसमें नहीं लगाई है। और अब हम क्या करेंगे, अब इसमें हमें साइड की सिलाई लगानी है, ये यहाँ से हम इन दोनों पार्ट को जोड़ना शुरू करेंगे। ये देखिए ये अंदर का हमारा अलग है, ये घेर हमारा अलग हो जाएगा और बाहर के कपड़े का घेर हमारा बिल्कुल अलग हो जाएगा, क्योंकि जो बाहर का कपड़ा है वो हमारा ज़्यादा चौड़ा है। अब इसे हम बिल्कुल कोने कोने में दोनों कपड़ों को पकड़ करके सिलाई लगा देंगे और दोनों साइड हम सिलाई करके इसी तरह से जोड़ लेंगे। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ उसके बाद हमें क्या करना है। अब यहाँ से ये जो हमने फिटिंग के निशान लगाए हुए हैं, यहाँ से अब नीचे तक जहाँ तक हमने सिलाई नहीं की है ये हमने छोड़ा हुआ है, ताकि हमारी यहाँ से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ सिलाई आ सके, जो हमारी फिटिंग की सिलाई है यहाँ तक हम लगा देंगे, यहाँ तक जहाँ तक हमने छोड़ा हुआ था, और बाकी हम बिल्कुल कोने कोने में ही लगा देंगे सिलाई।
ये देखिए, ये हमारा अंदर का जो कपड़ा है वो हम अलग ही सिल देंगे, और बाहर का कपड़ा है, इन चारों कपड़ों को हम पकड़ करके तब इसमें सीधी सीधी सिलाई अपनी फिटिंग के हिसाब से लगा देंगे, ये इस तरह से यहाँ तक। तो अब ये मैं बाहर का कपड़ा हमारा इस तरह से सिल दूंगी, ये हमें पूरा ही सिल देना है, नीचे तक हम पूरा इसे सिल देंगे दोनों साइड से। मैंने इसे जानबूझ के अलग अलग सिला है ताकि ये जो हमारा घेर है, क्योंकि बाहर का कपड़ा हमारा बहुत ज़्यादा घेर वाला है तो घेर अलग से दिखे, इसलिए। अब ये दोनों साइड से मैंने इसमें सिलाई कर ली है, अब हम फिटिंग की सिलाई इसमें लगाएंगे। यहाँ तक, अब नीचे तक हम, ये देखिए आप, यहाँ तक हम पकड़ करके इसे पूरा फिटिंग की सिलाई इसमें लगा देंगे। अब इसे हम सीधा नीचे तक मिला देंगे। अब यहाँ पर केवल अब हमें बाजू लगानी है, और बाजू लगानी मैंने आपको पहले बताई हुई है किस तरह से लगाना है, और जो नीचे की साइड है केवल इसे हम अब फोल्ड कर देंगे। ये हमें एक इंच हमने लिया था एक्स्ट्रा, फोल्ड करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए सिलाई हमारी हो गई है, नीचे की साइड से हमने फोल्ड कर दिया है, साइड की हमने सिलाई लगा दी है, अब केवल हमें बाजू इसमें लगानी है। बाजू लगाने का तरीका मैंने पहले आपको बताया हुआ है, अब मैंने अलग से वीडियो भी बनाई है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसमें से देख सकते हो। तो ये देखिए बाजू लगाने के बाद कुछ इस तरह से हमारी ये कुर्ती दिखेगी, और ये घेर बहुत ज़्यादा है, ये देखिए आप, घेर बहुत ज़्यादा है इसमें, और ये बहुत ही खूबसूरत हमारी कुर्ती बन करके तैयार हुई है। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।